हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीता माता की जानकारी देंगे और उनके 10 नामों का क्या अर्थ होता है उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो सीता माता की जानकारी सुनने के लिए और उनका अर्थ सुनने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। सीता माता को भूमि भी कहा जाता है। भूमि का अर्थ है हिंदू धर्म के अनुसार माता सीता का जन्म और उनका अंत भूमि में हुआ था, इसलिए उन्हें भूमि के नाम से जाना जाता है। जानकी माता सीता अनेक अनेक नामों में से एक नाम जानकी है। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी नाम से भी बुलाया जाता है। सिया माता सीता का एक नाम सिया है, इसका अर्थ देवी सीता है। मृण्मयी इसका अर्थ मिट्टी से बनने वाली है। धर्म पुराण के अनुसार माता सीता का जन्म खेत के मिट्टी से हुआ था, इसलिए इन्हें मृण्मयी कहा जाता है। लच्छाकी प्रचलित नामों में से एक नाम लच्छाकी भी है। क्षितिजा इसका संबंध भी धरती माता से है, इसलिए इन्हें क्षितिजा से भी जाना जाता है। वैदेही देवी सीता के पिता राजा जनक को वैदेह का राजा कहा जाता है, इस कारण इनका नाम वैदेही पड़ा। मैथिली राजा जनक को मिथिला नरेश कहा जाता है, इसी कारण इनका नाम मैथिली पड़ा। सीताशी इसका अर्थ देवी सीता है। जनक नंदिनी राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जनक नंदिनी भी कहा जाता है दोस्तों। तो सीता जी के 10 नाम का अर्थ ये है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए दोस्तों। अगले वीडियो में आपको सीता जी की और कहानियां सुनने को मिलेंगी। सपोर्ट अपना बनाए रखिए और सीता माता की कहानियां सुनने के लिए तैयार रहिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय श्री राम दोस्तों।